हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। गाइज, आज हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की, यानी कि घर्षण बल क्या होता है। यानी कि जब दो परस्पर संपर्क में दो वस्तुएं क्या करती हैं, घर्षण करती हैं। जैसे हमने ये मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, ये जो है एक सतह मान लेते हैं, उस पर इस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। तो घर्षण क्या होगा, घर्षण जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, यानी विपरीत दिशा में लगता है, उसके ऑब्जेक्ट के गति की विपरीत दिशा में। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो घर्षण बल वह बल है जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने से रोकता है। घर्षण बल सदैव गति करने वाली वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में संपर्क तल के समांतर कार्य करता है, यानी जो संपर्क तल है इसी के समांतर ये कार्य करेगा। अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कि क्षैतिज मेज पर रखे लकड़ी के गुटके को प्रदर्शित इस तरीके से हम लोग करेंगे। मान लेंगे ये जो कोई मेज है, इसमें कोई गुटका रखा है इस तरीके से, ये टेबल है और ये गुटका है। तो क्या होगा, मान लिया गुटका इस दिशा में या फ्रैक्शन से मूव कर रहा है, तो इसका भार क्या हो, गुटके का भार क्या हो, मेज पर होगा, यानी कि एम जी। उसके बाद यहाँ से इस डायरेक्शन में एक बल कार्य करेगा, यस। उसके बाद एक बल इस तरीके से कार्य करेगा, इसको कहेंगे आर, और इधर जो घर्षण लगेगा एफ यस, इसको कह देते हैं एफ एस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होगा कि मेज के तल की अविलंब प्रतिक्रिया आर जो है गुटके को भार को संतुलित करेगी, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, आर इक्वल टू एम जी। और दूसरा क्या होगा, मेज के तल द्वारा आरोपित क्षैतिज घर्षण बल यानी कि एफ एस जो है ये गति उत्पादक बल एफ को संतुलित करता है, यानी एफ एस इक्वल टू हो जाएगा एफ। तो अगर पूछा जाए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो गुटके को विरामावस्था में बनाए रखने के लिए मेज की सतह द्वारा आरोपित घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के, आर इक्वल टू एम जी और एफ एस इक्वल टू एफ। यहाँ पर एफ एस क्या है, एफ एस लेस देन म्यू एस आर है। यहाँ पर म्यू एस क्या है, म्यू एस है लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि सीमांत घर्षण किसे कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को चरम घर्षण अथवा सीमांत घर्षण कहते हैं। यानी कि सीमांत घर्षण क्या होता है, एफ एस जो है ये प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर। म्यू एस आर जहां म्यू एस क्या है, एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है, जिसका मान संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इनकी सतहों की प्रकृति किस तरीके की है, तथा इसे दोनों सतहों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है गतिक घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, जब परस्पर संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो वस्तुओं द्वारा संपर्क तल में एक दूसरे पर आरोपित घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल को क्या किसे डिनोट करते हैं, एफ के से, काइनेटिक
फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या होगा कि एफ के जो है घर्षण आर, जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर जो है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि एफ अनुक्रमानुपाती आर, और एफ ऑफ के जो आएगा वो आएगा म्यू के इंटू आर। यहाँ पर म्यू के क्या है, नीतांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसका मान जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू से कम होता है। तो ये तो हो गया स्थैतिक, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण। तो हम लोगों ने इसमें कवर किया स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा था लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि सीमांत घर्षण, फिर था गतिक घर्षण यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन।